दिवाली के दिन मिलने वाली छुट्टी भारत में बेहद आम है, लेकिन एक खबर ने हैरानी बढ़ा दी। अमेरिका में एक घोषणा से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जब पता चला कि इस दिवाली के दिन अमेरिका में स्कूल ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा अमेरिका के व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जाएगा। दरअसल अमेरिका में मौजूद भारतीय लोगों के लिए इस साल की दिवाली ऐतिहासिक होने वाली है। इतिहास में पहली बार दिवाली के अवसर पर न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों में आधिकारिक छुट्टी की घोषणा हुई। न्यूयॉर्क शहर के स्कूल इस साल 1 नवंबर को हिंदू त्यौहार दिवाली मनाने के लिए बंद रहेंगे। ये पहली बार है जब अमेरिका शहर के स्कूलों ने इस छुट्टी को मान्यता दी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले दिलीप चौहान ने कहा, इस साल दिवाली खास है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार दिवाली के त्यौहार के लिए शुक्रवार 1 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। दिवाली के त्यौहार से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को चमकीले कलर से सजाया गया, जो रोशनी के त्यौहार के जश्न को दर्शाता है। समाचार एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नारंगी, पीले और नीले रंग की रोशनी से सजाया गया। दुनिया भर में लाखों लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय समुदाय भी शामिल हैं। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बाइडेन की पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। बाइडेन के भाषण से पहले अमेरिका सर्जन जनरल वाइस एडमिरल विवेक एच मूर्ति, रिटायर्ड नौसेना अधिकारी एवं नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और इंडियन अमेरिका यूथ एक्टिविस्ट श्रुति अमूला ने भी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो संदेश भेजा। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में औपचारिक रूप से दिया जलाते हुए बाइडेन ने कहा कि दक्षिण एशियाई अमेरिका समुदाय ने अमेरिकी जीवन के हर हिस्से को समृद्ध किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।